हाँ जी, ये जो आज मीटिंग हो रही है किसको लेकर हो रही है? नारायणगढ़ में तमाम दलित संस्थाओं ने मिलकर एक मंच का गठन किया है जिसका नाम रखा है सर्वदलित महापंचायत। और इस सर्वदलित महापंचायत में तकरीबन प्रत्येक संस्था से एक एक प्रतिनिधि को लिया गया है जिनको इस पूरी महापंचायत को कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा सौंपा गया है। और सौभाग्य से ये जिम्मा बतौर संचालक संयोजक के तौर पर मुझे सौंपा गया है। इसमें मेरे साथ जो सचिव हैं वो सरदार राजेंद्र सिंह जी हैं, कोषाध्यक्ष हमारे ताराचंद जी हैं और सह संयोजक इसमें राम प्रसाद जी हैं। इसके अलावा इस महापंचायत को बनाने का विशेष उद्देश्य ये था कि विशेष तौर पर नारायणगढ़ के तमाम दलित मोहल्लों में विशेष तौर पर नशे का कारोबार कुछ ज़्यादा फल फूल रहा है और उसके चलते हमारे युवाओं की जो जो भविष्य है वो खतरे में है और जिसके चलते नौजवान पीढ़ी खराब हो, इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम को खड़ा किया है कि यहाँ जो नशे कारोबारी हैं या बाहर से जो नशा आता है उसको जड़ से उखाड़ फेंके। और इसके अलावा नारायणगढ़ की तमाम अन्य सामाजिक संस्थाओं से हम अपील करेंगे, सहयोग की अपील करेंगे कि हमारी जो मूवमेंट हम लोगों ने खड़ी की है स्टैंड अप अगेंस्ट ड्रग्स, तो उसमें वो लोग आएं और हमारा सहयोग दें, साथ दें। इसके लिए हम तमाम जो यहाँ के स्कूल हैं, युवा हैं, जो बच्चे हैं, हम उनसे भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करेंगे कि वो इस मूवमेंट में साथ आएं क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको लेकर हमारे आने वाली तमाम पीढ़ियां खराब हो सकती हैं। और हमारा ये मानना है कि हम नारायणगढ़ को उड़ता नारायणगढ़ नहीं बनने देंगे और उसके खिलाफ हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े तो हम जाएंगे। हमारी रणनीति है कि इससे पूर्व में बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक अम्बाला, उप पुलिस अधीक्षक नारायणगढ़ को दी है लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लेके एक शिष्टमंडल सोमवार को यहाँ के उपमंडल अधिकारी जो हैं उनसे मुलाकात करेगा और कार्रवाई की मांग करेगा और उन जो पुरानी शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई ना होने की वजह की भी जानकारी लेगा और पूरे मामले से अवगत कराकर और इस पर पूरी सख्ती से निपटने के लिए मांग करेगा। अगर बंद ना हुआ फिर भी क्या करोगे? देखिए, बंद नहीं हुआ तो हमारे पास दलित महापंचायत ये जो बनी है इसमें लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे।